प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स में मेडल जीतकर लौटे खिलाड़ियों से मिले, उन्होंने मुलाकात करी और दिल्ली में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से मिलकर बातचीत भी की, उन्हें बधाई दी और आगे भी कामयाबी की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने हेमटेथलॉन में गोल्ड जीतने वाली एथलीट स्वप्ना बर्मन के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, उस वक्त ये है जब तमाम जो मेडलिस्ट हैं उन लोगों को बुलाया गया, उनसे बात की, पीएम ने खुद वक्त निकाला और उनका उत्साह बढ़ाया। तस्वीरें देखिए, तो दो तस्वीरें यहां हैं, एक तरफ वो संवाद कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन सबके साथ जो मेडलिस्ट हैं, जो जीत कर आए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐतिहासिक प्रदर्शन इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का, 69 मेडल्स जीते हैं, जो कि एक अरसे बाद इतनी बड़ी संख्या में मेडल्स जीतकर भारत के खिलाड़ी लाए हैं। और लगातार बीच में भी जब गोल्ड जीते थे खिलाड़ी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी उनको ट्विटर पे बधाई दिया करते थे, आज उनसे पर्सनली मिले भी। अब खिलाड़ियों ने क्या कहा, आइए वो भी सुनाते हैं आपको। फॉर आर टीम एंड ऑल्सो फॉर इंडिया एंड आर आर्ची एसोसिएशन दिस मैन, बहुत बड़ी बात है। हम स्पोर्ट्स पर्सन को भी ऐसे चांस मिलते हैं तो बहुत खुशी की बात है कि हम उनसे मिले और आगे कोशिश करेंगे कि और अच्छा करें ताकि हमें और सपोर्ट मिले इनसे। अभी जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था तब इतना फैसिलिटीज़ नहीं था, स्पॉन्सर्स नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आफ्टर मैं 2005 में स्टार्ट किया था तभी कुछ नहीं था, तो अभी देखने से बहुत डिफरेंस है और बहुत कुछ अभी आने वाले यंगस्टर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि स्पॉन्सर्स आगे आ रहे हैं और गवर्नमेंट से सपोर्ट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से सपोर्ट और सब मिनिस्टर्स लोग भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट हो हमारा, अभी मैं ONGC डिपार्टमेंट में काम करती हूँ तो वो लोग भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो इट्स अ रियली पॉजिटिव साइन, आने वाले जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है। रियली इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड आई हैव बीन हियर in the year 2014 the same felicitation function and Narendra Modi sir is really supporting us very well, so even we will get motivated and even youngsters will get be motivated seeing all this, so even they will come to any other extracurricular activities and they can do well. Ji bahut khushi hui jab hamara medal aaya tha, us time matlab PM sahab ne matlab tweet bhi kiya tha, kafi acha lagta hai jaise दूसरे देखते हैं या न्यू जनरेशन है उसके ऊपर काफ़ी उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है कि हमें अभी एशियाड में अच्छी पोजीशन आई है कि अब तक की बेस्ट ही है और अभी नेक्स्ट ईयर स्लो स्लो करके जिस तरह उन्होंने बेस बना रखा है हमारा कि सभी प्लेयर के लिए, सभी स्पोर्ट्समैन के लिए, तो आगे बढ़ते 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 2020 में मेरे को अच्छा हो पाए।